दोस्तों कल ज्ञानवापी का फैसला आने के बाद जिन जो लोगों का पारा हाई हो गया है थोड़ा, वो लोग एक काम कर सकते हैं, अपने गांव में जाएं और आसपास खोजें दो कौड़ी का फवारा, उसके नीचे उल्टा होकर एक घंटे के लिए खड़े हो जाएं, ठंडक मिलेगी। बाकी जिन जिन लोगों को खुशी हुई है वो भी अपने गाँव में जाएं और पास वाले मंदिर में बाबा जी को भोग लगाएं, उसके बाद शिवलिंग पर मत्था टेकें और शांतिपूर्वक अपने घर वापस आ जाएं। दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि वाराणसी कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलील, उसके जो एप्लीकेशन थे कि इस पर सुनवाई ना किया जाए, पूजा के लिए इजाज़त ना दिया जाए और तमाम बातें थी, उसको उसने रिजेक्ट कर दिया है। ये लोग हमेशा की तरह उच्च ऊपरी अदालत में जाने की कोशिश करेंगे और जाएंगे भी। इस फैसले आने के बाद, सुनवाई का फैसला आने के बाद कि अब सुनवाई इस पर होगी, उसको जो चैलेंज किया गया था कि पूजा की इजाज़त वहाँ दिया जाए उसको लीगल मानते हुए उसके आगे की सुनवाई की जाएगी। इस पर कुछ लम्पटों की तो जल उठी है, लोग टीवी पर आकर रोना रो रहे हैं और कुछ लोग अपने इंस्टाग्राम ट्विटर पर। तो आइए देखते हैं सबसे पहला लम्पट कौन है, असदुद्दीन ओवैसी। वैसे एक बात है, इस बंदे को कुछ भी कहो लेकिन इसको थोड़ा क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा बंदा है जिसको भविष्य का पता होता है। जब राम मंदिर का फैसला आया था, अयोध्या का फैसला आया था, उसके बाद इसने बोला था कि अब काशी की बारी है, वैसे हो रहा है। पता नहीं इसको भविष्य कहाँ से पता चल जाता है। अब ये टीवी पर बैठकर रोना रो रहा है या फिर भविष्य बता रहा है कि अब मथुरा की बारी है। जितने आगे तक कोर्ट वाले अंकल तक नहीं सोच पाते, लेकिन ये बंदा भविष्य जरूर देख लेता है कि आगे क्या होने वाला है। इसको ये भी पता है काशी के बाद, मथुरा के बाद और किन किन मंदिरों को आज़ाद करना है, प्रांताओं द्वारा जो कब्जाए गए हैं किन किन को आज़ाद करना है, इसको सब मालूम है और हिस्ट्री भी इसको मालूम है। इसलिए पहले ही बता देता है कि अब यहाँ हो रहा है, वहाँ हो रहा है, अब आगे यहाँ यहाँ होगा, इसके लिए तो इसको क्रेडिट बनती है। अब दोस्तों एक और जलन देखते हैं, जो ट्विटर वाला जलन है, जो टीवी पर तो नहीं लेकिन ट्विटर वाला जलन है। इस बेचारे के साथ हमेशा जलन रहता ही है, पता नहीं क्या क्या जल चुका है। बिरयानी मैडम इस फैसले के आने के बाद ये मैडम ट्वीट करती है, हर रोज़ एक नया जख्म। कुछ लोग तो इसके जख्मों को हर रोज़ वाला कुछ नया ही समझ रहे हैं, पता नहीं क्या कहना चाहती है। अभी मौलाना साहब को उल्टा पुल्टा समझ लिए तो घर में बवाल हो सकता है ना, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हर रोज़ तो नहीं बोलना चाहिए ना, कभी कभार बोलना चाहिए भाई। हर रोज़ अगर नया जख्म हो रहा है तो उसका इलाज कहीं और होना चाहिए। बाकी आप में से कुछ लोग इसके एक्सपर्ट होंगे जो मरहम लगाकर ऐसे जख्म को भर देते होंगे, कमेंट करके बताइए। इस अंतर्यामी का एक और ट्वीट आया था, ये पता नहीं किस बेस में था, पुराना वाला ही है, रहेगा है और कयामत तक रहेगा। मतलब जब इस बंदे को पता है कि आगे क्या होने वाला है फिर भी ये कयामत तक रहेगा, क्यों चिल्ला रहा है भाई, समझ में नहीं आता। दोहरा चरित इसका नहीं समझ में आ रहा, बेटा तू टीवी पर बैठकर बताता रहता है कि आगे ये होगा, उसी पर अड़े रहो, वही ठीक है और वही सच भी है। इनसे मिलो, यह है लम्पट शोएब जमाई, पता नहीं किसके जमाई है यह नहीं पता, लेकिन लोग कहते हैं जमाई है। ये लम्पट अक्सर टीवी पर आता रहता है, आप सब ने देखा होगा इसकी बकलोली बकचोदी, ये सब आपने देखा होगा, इसकी नफरत भी देखी होगी, बताने की ज़रूरत है नहीं। ये बोल रहा है कि जो निचली अदालत होती है उसको, उसके ऑर्डर को ऊपरी वाली अदालत कूड़े में फेंक देती है। मतलब कई अजीब तरीके से बातें करता है ये बदतमीज। तो इसका वीडियो तो मैं यहाँ नहीं प्ले कर रहा हूँ, आपको टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं इसको, कि टेलीग्राम पर इसका वीडियो ये वाला मैं पोस्ट कर दूंगा। तो अभी जैसे जैसे ये मामला बढ़ेगा, जैसे जैसे मामला बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे लोग भी बाहर आएंगे, राजनीति वाले भी आएंगे अपनी अपनी रोटियां सेकने, कुछ लोग सच में सेकेंगे, कुछ लोग झूठ सेकेंगे, लेकिन सेकेंगे ज़रूर। तो जैसे जैसे मामला आगे बढ़ेगा वैसे वैसे लम्पट भी बाहर आएंगे, केसेस भी बाहर आएंगे, लोग भी बाहर आएंगे, जिनकी जली है वो भी बाहर आएंगे और पुलिस भी अपना एक्शन लेगी। और अभी जिन लोगों को जल रही है, अभी जिन लोगों को जली है भाई, उनके लिए तो बर्नोल लेना पड़ेगा ना, उनके लिए हम अपने तरफ से कुछ बर्नोल भिजवाएंगे, आप लोग भी अपने तरफ से बर्नोल उनको भिजवा सकते हैं, कोई कमेंट में भिजवा सकता है, कोई आर्थिक मदद करके भेजना चाहता है तो आर्थिक मदद कर सकता है, पेटीएम फ़ोनपे नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और जो लोग ऐसा भी नहीं कर सकते वो अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं वीडियो को, वहाँ से भी उन लोगों को बर्नोल का कुछ ना कुछ टुकड़ा मिल ही जाएगा, जलन बेचारों की कम होगी। चलो दोस्तों इस मुद्दे को थोड़ा अलग करते हैं, इस मुद्दे को साइड में रखकर आते हैं अपने अरविंद बाबू पर, नहीं समझे कजरी बाबू पर, फिर भी नहीं समझे कजरी मियां पर आते हैं, झूठे लाल पर आते हैं। गुजरात में होने वाले हैं चुनाव और ये गुजरात में फुल ऑन एकदम मूड में। इनका कल एक नया वीडियो आया था, ये किसी ऑटो पर जा रहे थे,
वैसे न्यूज़ में बाद में आया कि ऑटो वाले के घर पर खाना भी खाए हैं, जो हर नेता करते हैं चुतिया पर। तो ये ऑटो में जा रहे थे तो इनको पुलिस रोक रही है कि आप ऑटो में नहीं जा सकते। लेकिन अब ये तो लड़ पड़े कि नहीं, हम जाएंगे तो इसी से जाएंगे, हमको जनता से मिलना है, ये है वो है। हम तो कहते हैं देखो भैया, सबको पता है कि इनके पास सिक्योरिटी हो ना हो, इनको लोग थप्पड़ मार के चले ही जाते हैं। जब थप्पड़ इनको सिक्योरिटी के साथ मारा जा रहा है तो छोड़ दो ना, जाने दो ऑटो में। उसके बाद जब ये दिल्ली आए तो इनको सिक्योरिटी तो चाहिए नहीं, अमित शाह से बोल के, मोटा भाई से बोल के, इनको 4-5 रिक्शे दिलवा दो, इसी में ये और इनके लोग अपना घूमे पूरे दिल्ली में, काम करें। क्योंकि आप लोग अगर शुरू से इनकी राजनीति जानते होंगे तो आपको पता होगा कि हमें गाड़ी नहीं चाहिए, हमें बंगला नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, हम VIP नहीं, हम आम आदमी पार्टी हैं, मतलब सब कुछ जानते हैं ना। तो वैसे ही इनको खुला छोड़ देना चाहिए कि जाओ पिटो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप सब क्या कहना चाहते हैं वीडियो के बारे में कमेंट करके बताइए। ज्ञानवापी के बारे में आपका क्या विचार है, जलन के बारे में क्या विचार है, आप लोग ये भी कमेंट करके बता सकते हैं। अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको नंबर दे दिया हूँ, आप सपोर्ट भी कर सकते हैं अपने तरफ से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।